हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। छतरपुर जिले में आज दिनांक 7 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के कुछ छात्र कलेक्टर सर को आवेदन देने आए हैं कि उनकी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है। उन लोगों का कहना है कि कॉलेज वालों ने उनकी स्कॉलरशिप ले ली है और अगर हम लोग वहाँ पर शिकायत करने जाते हैं तो वो लोग नहीं देते हैं। ना ही हमारी आवास योजना की स्कॉलरशिप आई है और ना ही कोई, हम लोग बीएड कर रहे हैं और एक साल से इसी तरह से परेशान हो रहे हैं। जो छात्रवृत्ति आती है एस सी एस टी की और आवास योजना आती है कॉलेज के द्वारा, हमारी ना तो स्कॉलरशिप दी जा रही है ना ही हमारी आवास योजना की राशि दी जा रही है। उनके द्वारा हमारे फार्म में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही वो कर रहे हैं। जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को बातें बनाकर बस वहाँ से भगा दिया जाता है कि हमारे यहाँ से सारी कार्रवाई हो चुकी है, हमने यहाँ से फार्म भेज दिए हैं। हम आदिम जाति कल्याण विभाग भी गए, वहाँ भी हमें से यही कहा गया कि हमारे यहाँ कोई फार्म प्राप्त नहीं हुए हैं आपके कॉलेज से। फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट ईयर का सत्र होता है वो भी कंप्लीट हो चुका है, चूँकि हमें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिली है जो कि समथिंग 14,500 के समथिंग की राशि होती है, एक मुश्त राशि होती है, वो हमें नहीं मिली है। चूँकि हम कॉलेज जाके हमने पता किया तो ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने बस झूठा आश्वासन दिया कि आ जाएगी और कोई प्रक्रिया नहीं की गई इसके ऊपर। आज हम कलेक्टर जी के पास अपना ज्ञापन देने आए हैं। जब हमने इस बारे में कलेक्टर मोहित बुंदर से बात की तो उन्होंने ऑफ कैमरे में बताया कि इन लोगों की वेबसाइट बंद कर दी गई है और इन लोगों का आवेदन भोपाल तक पहुंचाया जाएगा और इन लोगों की स्कॉलरशिप कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द आए। जिला अयोध्या में जो ये नया हवाई अड्डा का विस्तारीकरण हो रहा है इसमें गंजा, जनौरा, नंदापुर और धर्मपुर चार ग्राम सभाओं की जमीनें जा रही हैं, जिसमें कि जनौरा और नंदापुर ग्राम सभा के मुआवजे में धर्मपुर शहादत की अपेक्षा भारी अंतर है। धर्मपुर का जो मुआवजा दिया जा रहा है वो पुराने सर्किल रेट के हिसाब से दिया जा रहा है, जो 2,10,000 रुपये बीघे है, 21 लाख रुपये हेक्टेयर। यही जमीन जनौरा में करोड़ों के भाव जा रही है, जो कि हम लोग इस मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं। डीएम ने कहा है कि 21 लाख रुपया हेक्टेयर आपका था, हमने इसको प्रयास करके 28 लाख रुपया हेक्टेयर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो कोई ऐसा बढ़ाया हुआ दाम बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो अंतर है इससे किसान संतुष्ट नहीं है। धर्मपुर के जितने भी हमारे किसान हैं जिनकी भूमि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में ले जानी प्रस्तावित है, उसमें से काफ़ी लोग आज आए थे तहसील दिवस में और उन्होंने अपनी आशंकाएं बताई और अधिक से अधिक सर्किट रेट के हिसाब से उनका मुआवजा देने की बात की। खासकर जो दूसरे वहाँ पे गंजा और जो जनौरा गांव के जो कृषक हैं उनके पैरिटी पे उन्होंने मुआवजा देने की बात की, तो उनको एक चीज़ स्पष्ट किया गया कि जो निर्धारित सर्किल रेट है वो पूर्व से ही निर्धारित है, वो हर गांव की अलग अलग दशा के मुताबिक तय है, तो उसको सर्किल रेट के ऊपर नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके हिसाब से ही जो भी मुआवजा उनका बन रहा होगा न्यायपूर्ण ढंग से वो उनको दिया जाएगा, लेकिन ये उनको ज़रूर आश्वासन दिया गया कि उनका जो भी आवास है या कोई उन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है लैंड पे उसको देख करके जो भी वाजिब मुआवजा है वो उनको समय से दिलाया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जाएगा। और मैं स्वयं गांव में जा करके उनकी मीटिंग करके और सबकी जो पिटिशन्स हैं उसको डिस्पोज करके और मैं वो मुआवजा दिलवाऊंगा, ऐसा मैंने उनको आश्वासन दिया तो लोग संतुष्ट होकर के यहां से गए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।